नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी YouTube चैनल इंश्योरेंस क्लिनिक में। टॉप सेलिंग इन्वेस्टमेंट प्लान, जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपको देता है हाईएस्ट रिटर्न और साथ में ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। अगर आप लोगों की उम्र 22 साल से 38 साल की है तो ये प्लान आपको जरूर देखना चाहिए दोस्तों। ये कोई शेयर मार्केट वाला प्लान नहीं है, दिस इज द ओनली प्लान जहां पर आपको चार गुना से भी ज्यादा की रिटर्न देती है आपकी इन्वेस्टमेंट पे और साथ में इंश्योरेंस भी। दोस्तों आज तक आपने देखा होगा, जहां भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो जितना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उतना पैसा तो आपको देना पड़ता है, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर आपको पहले ही आपके इन्वेस्टमेंट में डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा, सवाल नंबर एक। अट्रैक्टिव प्रीमियम पेमेंट क्या है, सवाल नंबर दो। कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और कितना इन्वेस्ट कर सकता है, सवाल नंबर तीन। टैक्स बेनिफिट है या नहीं है, सवाल नंबर चार। सरेंडर एंड लोन की सुविधा इसके अंदर है या नहीं, सवाल नंबर पांच। गारंटेड प्लान है या नहीं, सवाल नंबर छह। इंश्योरेंस कवर कितना है और कब तक का है, सवाल नंबर सात। और आठवां सवाल हमारी कैलकुलेशन है दोस्तों, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा इसके अंदर कितना पैसा आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हाउ मच डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको तुरंत सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही 25 से लेकर 30% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सम अश्योर्ड के ऊपर। अट्रैक्टिव प्रीमियम पेमेंट, देखिए जो एरो बने उससे आप समझ तो गए, कुछ ज्यादा है कुछ चीज कम है। जो ज्यादा है वो है आपके लाइफ का कवर और जो पैसे आपने भरने होते हैं वो है कम सालों के लिए। कौन इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है और कितना इन्वेस्ट कर सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी उम्र 8 साल से लेकर 59 ईयर्स की है तो आप इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ साथ सम एश्योर्ड मिनिमम जो रहेगा वो 2,00,000 रुपए रहेगा और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, वो आपके इनकम पे डिपेंड करता है। टैक्स बेनिफिट, तो दोस्तों हमारा जो प्रीमियम हम पे करेंगे वो अंडर सेक्शन 80C के अंदर आएगा जिसमें कि आपको रिबेट मिलेगी, और जो मैच्योरिटी है वो आपके 1010D के अंदर आएगी जिसमें कि आपको टैक्स फ्री आपकी मैच्योरिटी आपको दी जाती है। कौन इन्वेस्ट कर सकता है ये तो मैंने बता दिया था आपको, 8 ईयर्स टू 59 ईयर्स का व्यक्ति इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। इस सवाल को हम स्किप कर देते हैं। सरेंडर और लोन, देखिए इस प्लान के अंदर 2 साल बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं और आप इस पे लोन भी ले सकते हैं। ग्रेस पीरियड बहुत जरूरी चीज है, इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ग्रेस पीरियड अगर चल रहा है तो इंश्योरेंस का क्लेम हमें मिलेगा। अगर किसी की डेथ हो गई है तो ग्रेस पीरियड के अंदर हुई है तो क्लेम मिलेगा। मंथली पेमेंट मोड चूज करने पे 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, बाकी अगर आप क्वार्टरली हाफ ईयरली और ईयरली चूज करते हैं तो 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। इंश्योरेंस कवर कितना है और इसकी ड्यूरेशन कितनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझते हैं, इसके बाद कैलकुलेशन पार्ट पाएंगे। देखिए ये तीन ऑप्शंस के अंदर ये प्लान मिलता है, तीनों ऑप्शंस को मैं एग्जांपल के साथ में आपको बताऊंगा दोस्तों। कैलकुलेशन ऑफ हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उससे पहले तीन ऑप्शंस क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर रहेगा और कब तक रहने वाला है, पॉलिसी पीरियड कितना है और कितने टाइम तक हमने उसे पे करना है। ऑप्शन नंबर 1 में 16 साल में आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी मगर पेमेंट 10 साल करनी है। ऑप्शन नंबर 2 में 21 साल में मैच्योरिटी मिलेगी, 15 साल पे करना है। ऑप्शन नंबर 3 जो कि जबरदस्त रिटर्न आपको देगा, 25 साल का आपका मैच्योरिटी टाइम है, सिर्फ 16 साल आपने पे करना है। और किस उम्र का व्यक्ति इस प्लान को किस ऑप्शन में ले सकता है वो स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमने यहां पर कैलकुलेशन रखी है 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की और 20 लाख की। व्यक्ति की उम्र हमने रखी है 30 साल की, राइट। देखिए ये कैलकुलेशन हमने तीसरे वाले ऑप्शन को लेके समझी है जिसमें आपको रिटर्न मिलती है लगभग 4 गुना से भी ज्यादा। पॉलिसी टर्म 25 साल का, 16 साल हमने पे करना है। मैं बात करूं अगर 5 लाख वाली पॉलिसी के बारे में तो उसको ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे। मंथली पेमेंट आपने 2,000 रुपए कुछ करना होता है, सालाना आपके 23,000-24,000 रुपए कुछ जाते हैं। यहां पर आपने इन्वेस्टमेंट देखनी है, देखिए 5 लाख का आपका लाइफ कवर चल रहा है, ठीक है। 5 लाख के लाइफ कवर में आपने जो पेमेंट करनी है वो सिर्फ करनी है 3,74,000 रुपए और रिटर्न आपको मिलती है 13,12,000 रुपए के आसपास की। आप समझ रहे इस चीज को, 5 लाख का हमारा लाइफ कवर है, समय शॉर्ट है, मगर हमने उतने पैसे जमा ही नहीं करने दोस्तों, हमने तो करने हैं सिर्फ 3,74,000 रुपए। यही चीज हर समय शॉर्ट के साथ है, 5 लाख वाला, 10 लाख वाला, 20 लाख वाला। तो इसीलिए हम जब इस प्लान को लेते हैं तो शुरुआत में ही हमको 25 से 30% का डिस्काउंट मिल जाता है पॉलिसी लेने से पहले ही पहले। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है दोस्तों। कई बार लोग कहते हैं यार इसमें रिटर्न तो ये इतनी रिटर्न, इससे अच्छा तो हम SIP प्लान या इन्वेस्टमेंट प्लान या शेयर मार्केट कुछ ले लें। दोस्तों आप ले सकते हैं मगर वहां पर पूरा रिस्क है, यहां पर आपको रिस्क वाली कोई बात नहीं है। यहां पर आप बहुत प्यार से इस प्लान को ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया उम्र आपकी 22 साल से 38 साल की है तो ये आपको आने वाले टाइम में जबरदस्त रिटर्न देगा मेरे दोस्तों। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन तो हुई हमारे ऑप्शन नंबर 3 की, बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तीनों कैलकुलेशंस को स्क्रीन पर रख दो, तीनों ऑप्शंस के साथ में। पहला ऑप्शन 25-16 वाला ऑप्शन नंबर 3, दूसरे में हमने रखा है 21-15, तीसरे में 16-10।
अब ये कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पे है। अगर कोई व्यक्ति इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको सिर्फ 10 साल तक पे करना है, 16 साल में उसको रिटर्न मिल जाती है। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत तब भी उस व्यक्ति को 70,000 रुपए का डिस्काउंट मिलता है 5,00,000 की पॉलिसी के अंदर। यानी कि 5,00,000 का सम एश्योर्ड आपने चूज किया है तो आपने जो पैसे जमा करने हैं वो 4,30,000 रुपए हैं और रिटर्न आपको लगभग 8,32,000 रुपए की रिटर्न इसके अंदर मिलती है। बाकी ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे हैं। ऑप्शन आपको अच्छा लगता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक जबरदस्त कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ता हूं। दोस्तों अगर आपको अभी तक की कैलकुलेशन समझ में आ चुकी है तो ये कैलकुलेशन आपके लिए जबरदस्त होने वाली है। यहां पर हमने सम एश्योर्ड लिया है 40,00,000 रुपए का, व्यक्ति की उम्र है 30 साल की, राइट 25 साल और 16 साल वही प्लान लेना ऑप्शन नंबर 3 में। इसमें आपके महीने हर महीने आप 16,000 रुपए समथिंग पैसे जमा करते हो तो टोटल पैसे जो साल की इन्वेस्ट करते हो वो करते हो 1,90,000 रुपए के आसपास के, राइट टोटल पैसा इस पॉलिसी के अंदर आपने 40,00,000 की पॉलिसी के अंदर टोटल पैसा जमा करना है सिर्फ 29,00,000 रुपए का और रिटर्न आपको मिलती है दोस्तों 1,00,00,000 रुपए की रिटर्न। सिर्फ एक लौता यही प्लान है, इसका नाम है LIC जीवन लाभ टेबल नंबर 936। इस प्लान के अंदर आपको ये जबरदस्त बेनिफिट मिलते हैं, इसका चुनाव आपको अपनी सही उम्र में कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है गारंटेड प्लान। ये गारंटेड प्लान है या नहीं है? दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोई शेयर मार्केट वाला प्लान तो नहीं है जिसमें कि हम बोलेंगे कि आपके फंड्स पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, उस पे डिपेंड करता है, ये सब वो नहीं है। ये एक प्योर एंडोमेंट प्लान है। अगर रिटर्न्स में कुछ बदलाव भी होगा ना तो वो जरा सा होगा, जरा सा। फॉर एग्जांपल मैं समझा दूं, 4 साल पहले अगर मैं 5,00,000 वाले सम एश्योर्ड की कैलकुलेशन की बात करूं तो उसमें मैच्योरिटी अमाउंट जो होता था वो 13,25,000 रुपए का होता था और इस ईयर में 2020 के तो अभी जो मैच्योरिटी अमाउंट दिखाया जा रहा है वो हो रहा है 13,12,000 रुपए का। दोस्तों मैं जानता हूं अभी कई लोग इसमें कमेंट करेंगे भैया आपका जो इस पॉलिसी का IRR है वो तो 7% ही हो रहा है और हम मार्केट में तो लोग 15% 12% भी दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं बात क्लियर कर दूं, अगर आप भी 15% का रिटर्न कमाना चाहते हैं तो मेरे चैनल में एक वीडियो है SIIP शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, 15% 12% 10% 8% का रिटर्न देती है बट वो शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है। ये एक प्योर एंडोमेंट प्लान है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे जीवन लाभ की तो इसके अंदर अभी तक मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों और कमेंट भी जरूर करना।